हाउ टू यूटिलाइज योर पूजा वेकेशन स्मार्टली। तो देखो यहाँ पर ICSE 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिल सकता है प्रिपरेशन करने के लिए अगर तुम स्मार्टली वर्क करो। तो देखो यहाँ पर पूजा वेकेशन तुम्हारा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 10 डेज का तुम्हें पूजा वेकेशन मिलता है। ऑन एन एवरेज 10 डेज है, कुछ कुछ स्कूल्स में 12 डेज में मिल सकता है, कुछ स्कूल्स में मैक्स टू मैक्स 15 डेज, बट 10 डेज सभी स्कूल्स में मिलता है। हियर बिफोर यू थिंक अबाउट डूइंग सेल्फ स्टडी, यहाँ पर कुछ कुछ चीज तुम्हें ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट मिल गया होगा टॉपिक, जो कि तुम्हें प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होगा। अगर नहीं भी मिला है तो डेफिनेटली मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 20 मार्क्स तुम्हारे स्कूल के हाथ में रहते हैं और 20 मार्क्स का तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या तुम्हारे स्कूल की तरफ से अभी तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिला है। डू टेल मी दैट इन दी कॉमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ यहाँ पर डेफिनेटली जबकि स्कूल्स रीओपन होगा तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का तुम्हारा टेस्ट भी हो सकता है कुछ कुछ चैप्टर्स का, सो डेफिनेटली दिस इज अ थिंग। बट बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना और यूटिलाइज करना इस पर्टिकुलर 10 डेज को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो इंटायर फेज है, ये जो 10 डेज का तुम्हें हॉलीडेज मिलेगा, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द टाइम जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूजा वेकेशन के बाद से यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू डोंट हैव मच टाइम। सीरियसली अब तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन, बिकॉज इन द एंटायर जर्नी टिल द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, फरवरी से पहले क्या होगा यहाँ पर तुम्हारा डेफिनेटली एंड में, दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में तुम्हारा प्री बोर्ड्स कंडक्ट होगा। स्कूल की तरफ से प्री बोर्ड्स लिया जाता है, तो प्री बोर्ड्स में पूरा सिलेबस आता है डेफिनेटली, तुम्हें पूरा बुक का प्रिपरेशन जस्ट लाइक योर बोर्ड एग्जाम्स जिस तरह से कंडक्ट होता है, सिमिलर मैनर में तुम्हारा प्री बोर्ड्स कंडक्ट होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर प्री बोर्ड्स जो होता है तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए होता है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम्स नहीं होता है, पहले स्कूल की तरफ से प्री बोर्ड्स कंडक्ट होता है सारे स्कूल्स में। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर दिस इज द एक्चुअल टाइम जबकि तुम्हें सीरियसली लेना पड़ेगा प्रिपरेशन को। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 10 डेज का तुम्हें हॉलीडेज मिलेगा सारा चीज़ को छोड़कर, बिसाइड्स enjoying, besides doing your assignments, completing your assignments, homework, and besides completing your project, यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी को टाइम देना है। हम यहाँ पर 10 डेज लेकर चल रहे हैं, तो 10 डेज में तुम्हें एवरी डे 4 आवर्स रखना है जो कि तुम्हारा सेल्फ स्टडी का टाइम रहेगा। देखो यहाँ पर ऑब्वियस है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर स्टूडेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर टाइम टेबल और तुम्हें फॉलो करना है 4 to 5 तुम ये करोगे, 6 to 8 ये करोगे, ऑब्वियसली तुम वैसा टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पर 4 आवर्स ऑब्वियसली कंटिन्यूसली प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन इसको 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना है, 2 2 आवर्स करके 4 आवर्स इन अ डे। तो 2 आवर्स तुम क्या कर सकते हो, 2 स्लॉट्स में डिवाइड करना है और 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना है। सपोज तुमने मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग 5 to 7 इन द मॉर्निंग यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और 5 to 7 तुमने सपोज हिस्ट्री सिविक्स का प्रिपरेशन किया, या फिर से यू हैव प्रिपेयर्ड बायो का तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। तो अब तुम्हें क्या करना है, अब जो सेकंड स्लॉट रहेगा वो इवनिंग में भी हो सकता है, आफ्टरनून टाइम में भी हो सकता है डेफिनेटली, वेन एवर यू आर फ्री एंड वेन एवर यू कैन कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, जबकि तुम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रिपेयर कर सको, उस टाइम तुम्हें क्या करना है, ये 2 आवर्स तुम्हें कोई डिफरेंट सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है। सो इन दिस वे अगर तुम 2 आवर्स करके 2 स्लॉट्स में 4 आवर्स इन अ डे सेल्फ स्टडी कर रहे हो अच्छे तरीके से, अगर ये 10 डेज तुम रेगुलरली फॉलो कर पाते हो और यहाँ पर रोज अगर तुम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, सपोज 2 आवर्स के अंदर तुमने 1 चैप्टर कंप्लीट किया इन 1 स्लॉट, इन द सेकेंड स्लॉट जो कि तुम्हारा इवनिंग या फिर आफ्टरनून का स्लॉट है, उसमें अगर सपोज तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया वो तुम्हारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पर 10 डेज के बाद तुम ये देखोगे तुम्हारा रिजल्ट क्या होगा 10 डेज के बाद। यहाँ पर 10 डेज मीन्स 20 चैप्टर्स, तो अगर तुम 20 चैप्टर्स प्रिपेयर कर पा रहे हो, ये जो पूजा हॉलीडेज है, बिसाइड्स डूइंग एवरीथिंग, बिसाइड्स इंजॉइंग विद योर फ्रेंड्स, बिसाइड्स डूइंग योर असाइनमेंट और योर प्रोजेक्ट, अगर तुम यहाँ पर खुद के लिए सेल्फ स्टडी कर यहाँ पर 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर पा रहे हो 10 डेज के अंदर, ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट यहाँ पर ओवरऑल तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स का तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके चैप्टर्स कंप्लीट होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 4 आवर्स इन अ डे तुम्हें अपने लिए निकालना है सेल्फ स्टडी के लिए, और ऑब्वियसली अब सीरियसली तुम्हें स्टार्ट कर देना पड़ेगा प्रिपरेशंस, बिकॉज अब तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम एकदम अच्छे से बैठ कर टाइम वेस्ट कर सको। बोर्ड एग्जाम्स जितना सामने आएगा उतना ज़्यादा तुम्हारा बर्डन हो जाएगा, प्री बोर्ड्स है प्लस यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा डिफरेंट तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हारा मैथ्स जो है, मैथ्स का सिलेबस यू ऑलरेडी नो कि मैथ्स का सिलेबस कितना वास्ट है और यहाँ पर एंड में नहीं होगा, तो मैथ्स का भी सिलेबस तुम्हें साइड वाइज कंप्लीट करना है। मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, देर आर सो मेनी चैप्टर्स, सो मेनी एक्सरसाइजेस और रेगुलर प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। तो इस तरह से तुम्हें पूजा वेकेशन को यूटिलाइज करना है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम दैट यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज द 10 डेज टाइम पीरियड, बिकॉज इफ यू डोंट यूटिलाइज दिस टाइम डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीग्रेट लेटर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अभी तक तुम्हें कितना सब्जेक्ट्स का प्रोजेक्ट मिला है, डू टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।